नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष कुमार यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AkyBiotech। इस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू स्क्रीन द राइस जीनोटाइप फॉर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन्फेक्शन। तो राइस जो है, जो पैडी है, उसमें एक डिजीज होती है जिसमें एक रोग होती है, उस रोग का नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे पत्ती का हम झुलसा रोग भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक जो इन्फेक्शन होता है ये एक ड्यू टू बैक्टीरिया से होता है। आप मेरे तो चारों तरफ आप देख सकते हैं, मैं इसमें पैडी के फील्ड में खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ आप देखिए ये राइस ही राइस लगा हुआ है, धान ही धान लगा हुआ है। तो अभी जो है हम इसकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का हम आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिससे हम पत्ती का झुलसा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पत्तियों पर होता है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास ओरायजेई। ये डिजीज जो है फर्स्ट 1884 में जापान में पहली बार में ये रिपोर्ट की गई थी। और इस डिजीज के होने से जो हमारा राइस है उसका 70-80% जो है यील्ड में लॉस होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां सारी झुलस जाती हैं। जब हमारा राइस जो है मैक्सिमम टिल्डिंग स्टेज पे होता है तो पत्तियां हमारी सारी, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज आ जाती है, रोग लग जाता है, सारी पत्तियाँ इसकी झुलस जाती हैं और यील्ड पेनाल्टी बहुत ज़्यादा होती है। जो मैं बता चुका हूँ 70-80% यील्ड पेनाल्टी होती है। और इसका जो फेवरेबल कंडीशन, मतलब डिजीज आने के ज़्यादा चांसेस तब होते हैं जब हैवी रेन हो और हवा चलती हो, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर 25-35 भी सूटेबल टेम्परेचर होता है, और ह्यूमिडिटी जो होती है वो से मोर देन अगर 70% है तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा कारण ये भी, अगर हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं फील्ड में तो भी हमारा चांसेस होता है कि ये डिजीज आने का। और हमें इस डिजीज से बचने के लिए हमें नाइट्रोजन का रिकमेंडेड डोज ही देना है, और जो हमारे घास होते हैं, घास वगैरह हमें फील्ड को बिल्कुल क्लीन रखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ कि हम आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। मीन्स ये नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है, हम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराते हैं प्लांट में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको हम कैसे करते हैं। फ्रेंड, फॉर दिस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज अभी तक के लिए क्या है, XA1 से लेके XA45 तक जो जीन है वो मैप हो चुके हैं अलग अलग डिफरेंट राइस वैरायटी में फॉर यूजिंग डिफरेंट पॉपुलेशन। तो उन जीन को हम थ्रू मार्कर असिस्टेड बैककॉस ब्रीडिंग के यूज करके उसको हम जो हमारी राइस की सक्सेसफुल वैरायटी है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उन्हीं को चेक करने के लिए आइदर वो रेजिस्टेंट है या ससेप्टेबल है, जीन का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का आर्टिफिशियल इनोकुलेशन करते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल हम इन्फेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राइस का पौधे लगे हुए हैं, ये ट्रांसप्लांटेड राइस है। आगे हमारे जो है पूसा की जो बासमती राइस वैरायटी है, पूसा 1100 वो लगा है, और उसी की ये डेवलप लाइन्स है जिसमें हम बैक्टीरियल ब्लाइट का हम जीन इंट्रोड्यूस किए हैं थ्रू मार्कर असिस्टेड बैककॉस ब्रीडिंग। और उसी को हमें चेक करने के लिए, आइदर ये रेजिस्टेंट है रोग के लिए या नहीं है डिजीज के लिए, इसको हम आर्टिफिशियल इन्फेक्शन देते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये दो हमारे कोलीग्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं बैक्टीरियल ब्लाइट का आर्टिफिशियल इन्फेक्शन दे रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इन्फेक्शन के लिए ये इनके हाथ में देखिए, ये है विवेक वो दिखाइए, ये देखिए ये बीकर में जो है ये बैक्टीरियल का सस्पेंशन कल्चर है। इसमें जो है 10^9 सेल पर ml ये कल्चर है, ये थोड़ा सा मिल्की कलर का होता है। और वो जो हमारा सीजर है, कैची है, उस कैची से वो है हमारे कोलीग मिस्टर विनोद जी, जरा उसको काट के दिखाइए। उसको हम प्लांट को पूरा कट लगा देते हैं, कट लगाने के बाद इसको इसी हम सस्पेंशन बैक्टीरियल कल्चर में इसको हम डिप कर देते हैं। ऐसे ऐसे हम एक एंट्री में 5 प्लांट हम काट लेते हैं और इसको हम डिप करते चले जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो प्लांट में जाने के लिए उसको पाथ चाहिए, तो जो हमारा कट लगाते हैं वो प्लांट इंजर हो जाता है और उसी कट से बैक्टीरिया पेनिट्रेट करके वो प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। और जो हमारा वैरायटी रेजिस्टेंट होगा उसमें इन्फेक्शन बहुत कम होगा, और जो हमारा वैरायटी ससेप्टेबल होगा उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इन्फेक्शन को बोलते हैं लीजन लेंथ। अगर हमारा कोई वैरायटी रेजिस्टेंट है तो वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो जो है इन्फेक्शन नहीं होगा, जो लीफ है वो 5 सेंटीमीटर तक ही जलेगी, मतलब झुलसेगी, जिसको हम हिंदी में झुलसा रोग भी इसको बोलते हैं। और अगर हमारा 5-10 जाता है इन्फेक्शन लेंथ तो उसको हम मॉडरेटरी टॉलरेंट बोलते हैं, अगर 10-15 जाता है तो मॉडरेट ससेप्टेबल बोलते हैं, और 15-25 तक जाता है तो उसको हम हाईली ससेप्टेबल बोलते हैं। अभी करने के बाद इसकी जो है स्कोरिंग हम जो करेंगे वो 21 डेज बाद करेंगे।
अभी ये इन्फेक्शन के लिए जो हमारा राइस का पौधा होता है जो मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज पे होता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इसमें जो कल्ले निकल आते हैं वो होता है, और इस समय कंडीशन बिल्कुल सही है। जैसा आप देख रहे हैं मैं पूरा स्वेट हो रहा हूँ, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर जो है वो 30 to 35 है। तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज इन राइस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा हम बैक्टीरियल ब्लाइट का आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कैसे देते हैं, आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग हम इन द फील्ड कंडीशन में कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो स्कोरिंग है वो 21 डेज बाद होगी। 21 डेज में हमें दिखेगा कि कौन सी वैरायटी हमारी रेजिस्टेंट है फॉर बैक्टीरियल ब्लाइट, कौन सी वैरायटी हमारी ससेप्टेबल है, उसकी हम स्कोरिंग करेंगे, जिसका हम 21 डेज बाद देंगे, इसका एक पार्ट टू वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।